प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर्स बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपाली शर्मा। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और विदेश की वे सभी करंट अफेयर्स जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के बुलेटिन की। भारत की पहली बालिका पंचायत, जिसे बालिका पंचायत कहा जाता है, गुजरात के कच्छ जिले के कई गांवों में शुरू की गई है। बालिका पंचायत पहल लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ राजनीति में लड़कियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। वर्तमान में यह पहल गुजरात के कच्छ जिले के कुनारिया, मोटागुआ, मस्का और वाडसार गांव में शुरू की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे भारत में बालिका पंचायत शुरू करने की योजना बना रहा है। 20 वर्षीय उम्र अहीर को बालिका पंचायत का सरपंच बनाया गया है। बालिका पंचायत का सदस्य ग्राम पंचायत की तरह ही मनोनीत होता है। बालिका पंचायत का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना है। यह समाज से बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास करती है। इसका उद्देश्य पंचायत में निर्णय लेने की प्रक्रिया में लड़कियों का नामांकन करना है। यह पहल बचपन से ही लड़कियों को राजनीति में सक्रिय बनाने का प्रयास करती है। भारतीय महिला सैनिकों ने मंगोलिया के उलन बटोर में 4 दिवसीय महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत 16 जून 2022 को हुई थी और इसे मंगोलिया के राष्ट्रपति के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने उद्घाटन भाषण में कहा कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने 17 जून 2022 को भारतीय समुदाय से बातचीत की। वे भारत से भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र अवशेषों को लेकर 13 जून 2022 को उलन बटोर पहुँचे थे। इन अवशेषों को 11 दिन के लिए आयोजित प्रदर्शनी में रखा गया था। केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कहा है कि वे अमृत सरोवर मिशन के तहत देश भर के सभी जिलों में तालाबों, टैंकों से खुदाई की गई मृदा का उपयोग अपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए करें। इस मिशन का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कार्यकल्प करना है। कुल मिलाकर इससे लगभग 1 एकड़ या उससे अधिक आकार के 50,000 जलाशयों का निर्माण होगा। मिशन इन प्रयासों को पूरा करने के लिए नागरिक और गैर सरकारी संसाधनों को जुटाने को प्रोत्साहित करता है। मिशन अमृत सरोवर को 15 अगस्त 2023 तक पूरा किया जाना है। आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष और अपने लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की है। जारी की गई रिपोर्ट में WHO ने दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करने के लिए और अधिक कार्रवाई का आह्वान किया है, खासकर तब जब COVID-19 महामारी को मानसिक स्वास्थ्य कुप्रभावित करने में योगदान करने के रूप में अधिकृत किया गया है। लगभग 1 अरब लोग, जिनमें से 14% किशोर थे, 2019 में किसी न किसी रूप से मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के साथ जी रहे थे। कुछ के लिए यह आत्महत्या का कारण बना, जिनमें 100 में से एक की मृत्यु हुई, जिनमें से आधे से अधिक 50 वर्ष की आयु से पहले हुई। महामारी के पहले वर्ष में अवसाद और चिंता 25% बढ़ गई। WHO के सभी 194 सदस्य राज्यों ने व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना 2013-2030 को अपनाया है, लेकिन इसकी प्रगति धीमी रही है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के साथ जीने वाले सामान्य आबादी की तुलना में लगभग 2 दशक कम जीते हैं। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच खराब बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर 71% मनोविकृति रोगियों को उपचार प्राप्त नहीं होता है। उच्च आय वाले देश 70% मनोविकृति रोगियों को उपचार प्रदान करते हैं और कम आय वाले देश केवल 12% के लिए इसका प्रबंध करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय रेल के कोंकण रेलवे मार्ग के 100% विद्युतीकरण को समर्पित करेंगे तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रत्नागिरी, मडगांव और उडपी से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। कोंकण रेलवे का संचालन कोंकण रेलवे ऑपरेटर लिमिटेड यानी KRCL द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है।
23 मार्च 1993 को उडुपी और मंगलोर के बीच कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली यात्री ट्रेन का संचालन किया गया था। संचालन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान पहाड़ी कोंकण क्षेत्र में कई दुर्घटनाएं हुई, जिस कारण कोंकण रेलवे को टक्कर रोधी उपकरणों, रोल ऑन, रोल ऑफ और स्काई बस जैसी नई तकनीक को लागू करने हेतु प्रेरित किया गया। KRCL एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। यह कोंकण रेलवे का संचालन करता है, यहाँ रेलवे से संबंधित अन्य परियोजनाओं को भी चलाता है। हाल ही में मंगोलिया के खुवसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह निर्णय इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के 34वें सत्र के दौरान लिया गया। यह कार्यक्रम फ्रांस के पेरिस में हो रहा है। खुवसगुल झील उत्तरी मंगोलिया प्रांत खुवसगुल में रूस की सीमा के पास स्थित है। यह मंगोलिया के मीठे पानी का 70% स्रोत है तथा समुद्र ताल से लगभग 1645 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो 135 किलोमीटर और 262 मीटर गहरी झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मंगोलिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है तथा रूस में स्थित बेकाल झील से लगभग 200 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस क्रम में सशस्त्र नारी सशस्त्र भारत के नारे के साथ महिला सशक्तिकरण पर भी बल दे रहा है। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी में सुधार की आवश्यकता एक दीर्घकालीन प्राथमिकता रही है और यह सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण महिलाओं की श्रम भागीदारी दर वर्ष 2022 में मात्र 9.92% थी, जबकि पुरुषों के लिए यह 67.24% थी। आजीविका कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों के बीच निरंतर भटकती हुई ऐसी महिला श्रमिकों को अनिवार्य श्रम के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। चूंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत का राष्ट्रीय आय में एक महत्वपूर्ण योगदान करती है, इसलिए ग्रामीण महिलाओं की समस्या पर ध्यान देने और तत्कालीन कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हाल ही में ईरान की नई सरकार की एशिया उन्मुख विदेश नीति का पालन करते हुए ईरानी विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया। वर्ष 2021 में नई सरकार के आने के बाद से भारत के साथ संबंधों को पुनर्स्थापित करने की दिशा में यह ईरान की ओर से पहला मंत्री स्तरीय दौरा था। आपको बता दें, भारत एवं ईरान फारसी साम्राज्य और भारतीय साम्राज्यों के युग से ही घनिष्ठ सभ्यतागत संबंध रखते हैं। भारत के पड़ोस से ईरान एक महत्वपूर्ण देश है। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से पहले तक दोनों देश सीमा भी साझा करते थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ईरान यात्रा के दौरान हस्तांतरित 13 घोषणा पत्र ने समान बहुलवादी और सहकारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि की थी। इसने तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी के सभ्यताओं के बीच संवाद के दृष्टिकोण को सहिष्णुता, बहुलवाद और विविधता के समान के सिद्धांतों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रतिमान के रूप में चिन्हित किया था। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 12वां मैत्री स्तरीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में चर्चा के मुख्य क्षेत्रों में महामारी के प्रति विश्व व्यापार संगठन की प्रतिक्रिया, मत्स्य पालन सब्सिडी वार्ताएं, खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग सहित कृषि मुद्दे, UTO सुधार और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क का स्थगन शामिल है। 165 सदस्य विश्व व्यापार संगठन द्वारा COVID-19 के बाद लगभग 5 वर्षों में अपने पहले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत का मानना है कि विश्व व्यापार संगठन के सुधारों पर चर्चा को अपने मूलभूत सिद्धांतों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस समय विशेष और विधेयक उपचार को आरक्षित करना, जिसमें आम सहमति आधारित निर्णय लेना, गैर भावनाएं, गैर भेदभाव और विशेष एवं विभेदक उपचार शामिल है, के परिणाम स्वरूप विरासत में मिली असमानताओं के आरक्षण या असंतुलन को बढ़ाना नहीं चाहिए। भारत विकासशील देशों हेतु सुधारों का सुझाव देने के लिए पहल करता है। आपको बता दें, भारत ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें उसने प्रक्रिया और उसके लक्ष्य दोनों पर यूरोपीय संघ और ब्राजील के सुझावों की आलोचना करने का बीड़ा उठाया।
या विश्व व्यापार संगठन संशोधनों पर एक खुली प्रक्रिया के खिलाफ था। हाल ही में केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में घोषित किया है। आपको बता दें, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 महत्वपूर्ण सूचना अवसंचारण को एक कंप्यूटर संसाधन के रूप में परिभाषित करता है जिसकी अक्षमता या विनाश का राष्ट्र सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर दुर्बल प्रभाव पड़ेगा। सरकार 2000 की आईटी अधिनियम के तहत उस डिजिटल संपत्ति की रक्षा के लिए किसी भी डेटा, डेटाबेस, आईटी नेटवर्क या संचार बुनियादी ढांचे को सीआईआई के रूप में घोषित करने की शक्ति रखती है। कोई भी व्यक्ति जो कानून के उल्लंघन में किसी संरक्षित प्रणाली तक पहुंच सुरक्षित करता है या सुरक्षित होने का प्रयास करता है, उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। 44वां शतरंज ओलंपियाड साल 2022 में चेन्नई में होगा। वर्ष 1927 से आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी भारत में पहली बार और 30 साल बाद एशिया में हो रही है। 189 देशों के भाग लेने से साथ या किसी भी शतरंज ओलंपियाड में सबसे बड़ी भागीदारी होगी। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE शतरंज के खेल का शासी निकाय है और यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करता है। यह एक गैर सरकारी संगठन के रूप में गठित है। इसे वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी। FIDE का वर्तमान में लॉजन में मुख्यालय है, लेकिन इसकी शुरुआत वर्ष 1924 में पेरिस में जेम्स ऊना समस के आदर्श वाक्य के तहत की गई थी। या फुटबॉल, क्रिकेट, तैराकी और ऑटो रेसिंग के खेल के शासी निकायों के साथ साथ सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों में से एक था। यह अब राष्ट्रीय शतरंज संघों के रूप में संबद्ध समस्याओं के रूप में 199 देशों को शामिल करने वाला सबसे बड़े देशों में से एक है। IEN-21 द्वारा नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। IEN-21 नवीकरणीय अभिकर्ताओं का एक वैश्विक समूह है। इसमें वैज्ञानिक, भारत सरकार, गैर सरकारी संगठन और उद्योग जगत के सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने दुनिया भर के देशों में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों, बाजारों, निवेश और नीतियों पर डाटा एकत्र किया है। नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में हुई प्रगति का दस्तावेजीकरण करती है। यह स्थानीय ऊर्जा उत्पादन और मूल्य श्रृंखलाओं के मध्य से अधिक विविध तथा समावेशी ऊर्जा शासन प्राप्त करने की क्षमता सहित नवीकरणीय आधारित अर्थव्यवस्था एवं शासन द्वारा वहन किए गए अवसरों पर प्रकाश डालती है। अपनी कुल ऊर्जा खपत में नवीकरणीय ऊर्जा की उच्च हिस्सेदारी वाले देश ऊर्जा स्वतंत्रता और सुरक्षा के उच्च स्तर सुनिश्चित करते हैं। भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट यानी ISIL प्रतिबंध समिति के तहत एक शीर्ष लश्कर ए तैयबा आतंकवादी मक्की को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन चीन ने मक्की को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगाई और यह रोक एक बार में 6 महीने तक चल सकती है। इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट, जिसे इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया भी कहा जाता है, एक इस्लामिक स्टेट है जो मुख्य रूप से पश्चिमी इराक और पूर्वी सीरिया में सक्रिय सुन्नी विद्रोही समूह है। आपको बता दें, सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंगों में शामिल है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA, ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। यह मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है। केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET ने वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के किंग हमद बिन इसा उल खलीफा पुरस्कार जीता। CIET स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद यानी NCERT की एक घटक इकाई है।
सीआईईटी को यूनेस्को द्वारा शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के लिए पीएम ई विद्या नामक एक पुरस्कार पहल के तहत सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, यह बहरीन के सहयोग में वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और शिक्षा पर इसके लक्ष्य 4 अनुरूप सभी के लिए शैक्षणिक और आजीवन सीखने के अवसरों का विस्तार करने हेतु नई तकनीकों का लाभ उठाने में नवीन दृष्टिकोणों को मान्यता देता है। पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को पुरस्कृत करता है जो उत्कृष्ट परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं और डिजिटल युग में सीखने, शिक्षण तथा समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों के रचनात्मक उपाय को बढ़ावा दे रहे हैं। हाल ही में पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है। इस ट्रेन में 500 भारतीय पर्यटक सवार है। यह पर्यटक ट्रेन पहली बार भारत और नेपाल को जोड़ेगी। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन देश भर के लोगों को देश के स्थापत्य, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का दर्शन करवाने का अवसर प्रदान करेगी। इस ट्रेन की पहली यात्रा में अयोध्या, नंदीग्राम, वाराणसी, सीतामढ़ी, चित्रकूट, प्रयागराज, हम्पी, पंचवटी, रामेश्वरम और भद्राचलम जैसे अन्य लोकप्रिय स्थलों के अलावा जनकपुर के धार्मिक गंतव्य को भी कवर किया जाएगा। भारत गौरव ट्रेनें भारत की समृद्धि, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को अपने लोगों को दिखाने का एक प्रयास है। इस अनोखे विचार की परिकल्पना रेल मंत्रालय ने की थी। यह अवधारणा देश भर में बड़े पैमाने पर पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगी। यह लोगों को भारतीय संस्कृति का पता लगाने का अवसर भी प्रदान करेगी। यह ट्रेन 18 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वापस दिल्ली लौटेगी। यह पूरे रामायण दौरे में करीब 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हाल ही में रुचिरा कम्बोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में भूटान में भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत हैं। रुचिरा कम्बोज TS त्रिमूर्ति का स्थान लेंगी तथा शीघ्र ही उनके द्वारा कार्यभार संभालने की संभावना है। रुचिरा कम्बोज वर्ष 1987 के सिविल सेवा बैच की अखिल भारतीय महिला टॉपर और साथ ही इस वर्ष 1887 विदेश सेवा बैच की टॉपर रही हैं। उन्होंने पेरिस, फ्रांस से अपनी राजनयिक यात्रा शुरू की और वहां वर्ष 1889 से 91 के दौरान फ्रांस में भारतीय दूतावास में तीसरे सचिव के रूप में तैनात थी। वह दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उच्च नियुक्त, पेरिस में यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधि और नई दिल्ली में प्रोटोकॉल की प्रमुख भी रही हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में भारत का सबसे प्रमुख राजनयिका प्रतिनिधि होता है। यह न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन का प्रमुख है। वर्तमान में TS त्रिमूर्ति भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। उन्हें मई 2020 में नियुक्त किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बगाची पर्थ सारथी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल की आधारशिला भी रखी, जो 832 बेड वाला अस्पताल है। CBR अपनी तरह की एक शोध सुविधा है जो उम्र से संबंधित मस्तिष्क विकारों के प्रबंधन हेतु साक्ष्य आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण शोध कार्य करने पर केंद्रित है। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च को एक गैर लाभकारी स्वायत्त अनुसंधान संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। यह गोपाल कृष्णन और उनकी पत्नी सुधा गोपाल कृष्णन की ओर से एक उदार उपहार था, जो उनके द्वारा दी गई दान राशि द्वारा वित्त पोषित है और कई अनुदान एजेंसियों से विशिष्ट परियोजनाओं को संचालित करने हेतु अनुसंधान अनुदान प्राप्त करता है। गोपाल कृष्णन ने अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया है। बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल को IISC बैंगलोर परिसर में विकसित किया जाएगा। यह अस्पताल प्रतिष्ठित संस्थान में विज्ञान, चिकित्सा और इंजीनियरिंग को एकीकृत करने में मदद करेगा। कर्नाटक में दो पर्यावरण समूहों ने वेदती और वर्धा नदियों को जोड़ने की परियोजना की आलोचना करते हुए इसे अवैज्ञानिक और जनता के पैसे की बर्बादी बताया है। गर्मियों की शुरुआत में वेदती और वर्धा नदियां सूखने लगती हैं। यह एक दुखद विडंबना है कि सरकार द्वारा नियुक्त वैज्ञानिक इन नदियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के बहाने
आपस में जोड़ने की योजना बना रहे हैं, यह जानते हुए भी कि वे पूरे साल नहीं बहती हैं। आपको बता दें, वेदती वर्धा परियोजना की परिकल्पना वर्ष 1992 में पेयजल की आपूर्ति के लिए की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अरब सागर की ओर पश्चिम में बहने वाली एक नदी बेदाती को तुंगभद्र नदी की एक सहायक नदी वर्धा के साथ जोड़ना है, जो कृष्ण नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार प्रभावी कार्बन पृथक्करण हेतु आगामी जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन वार्ता में आर्द्र भूमि संरक्षण को चर्चा के एक स्वतंत्र विषय के रूप में देखा जाना चाहिए। कार्बन पृथक्करण के तहत पौधों, मिट्टी और महासागर में कार्बन की दीर्घकालिक भंडार होता है। यह सुझाव मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित होने वाली जैव विविधता पर कनेक्शन हेतु COP15 और बाद में मिस्र में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के COP27 में दिया गया। यह सुझाव मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित होने वाली जैविक विविधता पर कन्वेंशन हेतु COP15 और बाद में मिस्र में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के COP27 में दिए गए। हाल ही में गृह मामलों और सहकारिता मंत्री ने शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के राष्ट्रीय संघ द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया है, जिसमें शहरी सहकारी बैंक के लिए आवश्यक सुधारों पर जोर दिया गया है। आपको बता दें, NAFCUB देश में सहकारी सहिता बैंकों और क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का एक शीर्ष स्तर का निकाय है। इसका उद्देश्य शहरी सहकारी ऋण की गति को बढ़ावा देने और क्षेत्र के हितों की रक्षा करना है। यह साधारण बैंकिंग व्यवसाय से निपटने के लिए सहकारी आधार पर स्थापित एक संस्था है। सहकारी बैंकों की स्थापना शेयर के माध्यम से धन एकत्रित करने, जमा स्वीकार करने और ऋण देने के द्वारा की जाती है। यह सहकारी ऋण समितियां हैं, जहां एक समुदाय समूह के सदस्य एक दूसरे को अनुकूल शर्तों पर ऋण प्रदान करते हैं। वे संबंधित राज्य के सहकारी सीमित अधिनियम या बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है। दोस्तों, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नए करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।